नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं रितेश कुमार। तो आज के इस वीडियो में एक अहम खबर निकल के आ रही है जो कि बिहार से है। तो आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नीतीश सरकार का फैसला आया हुआ है कि सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन देगी सरकार। तो जी हाँ, ये एक अच्छी खबर है कि आप अभी तक जितने भी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उन सभी को एंड्रॉयड फ़ोन दिया गया था, अब उसके बदले में यहाँ पे स्मार्टफोन दिया जाएगा नीतीश सरकार के तरफ से। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 250 रुपये प्रति माह नेट पैक के लिए देगी सरकार। तो जी हाँ, रिचार्ज के लिए यहाँ पे 250 रुपये मिलेगा। तो जैसा कि पहले रिचार्ज के लिए हम लोगों को 200 रुपये मिलते थे, यहाँ पर अब रिचार्ज कराने के लिए नीतीश सरकार के तरफ से 250 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो चलिए मैं एक न्यूज़ के माध्यम से आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स में समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सेविकाओं को दिया जाएगा स्मार्टफोन, हर महीने मिलेंगे नेट पैक के लिए 250 रुपये। ये न्यूज़ देख सकते हैं यहाँ पे, हिंदुस्तान का ये न्यूज़ है और आज सुबह ही ये न्यूज़ प्रकाशित हुआ है 18/6/2021 को। तो आइए न्यूज़ में क्या क्या है आगे जानकारी ले लेते हैं। अब पोषण ट्रैकर ऐप से आंगनबाड़ी केंद्रों की हर गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी। सेविकाएं पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग करेंगी, इसके लिए सेविकाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है सेविकाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। यह जानकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मंजू कुमारी ने प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 52 में पोषण ट्रैकर के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिए जा रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण में दी। तो जी हाँ, बाल विकास पदाधिकारी मंजू कुमारी ने ये जानकारी दिया है कि सभी सेविकाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा, जो कि नीतीश कुमार की तरफ से ऐलान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह सभी सेविकाओं को नेट पैक के लिए 250 रुपये दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे कि 250 रुपये जो है कि सेविकाओं को नेट पैक के लिए दिए जाएंगे। पोषण ट्रैकर ऐप से ICDA सेवाओं की गुणवत्ता व सुगम अनुसरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ICDA से संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार में आंगनबाड़ी केंद्रों के अनुसरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के विभागीय तौर पर सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों की सतत निगरानी व अनुसरण के लिए पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग किया जाएगा। इसके जरिए केंद्र सरकार राज्य में सीधे महिलाओं व बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार पर नज़र रखेगी। प्रशिक्षण दे रहे गोवर्धन कुमार यादव, नीरज कुमार यादव, मोहसिना खातून ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से ICDA सेवाओं की गुणवत्ता व सुगम अनुसरण प्रक्रिया का संचालन सभी सेविकाओं द्वारा किया जा रहा था, अब पोषण ट्रैकर ऐप के प्रयोग सुनिश्चित कराने को कहा गया है। प्रशिक्षण में सभी सेविकाओं को उनके अपने मोबाइल पर पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिया गया है। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण के पहले दिन 20-20 की संख्या वाले सेविकाओं के बैच के तहत 4 बैच को प्रशिक्षण दिया गया, वहीं शेष सेविकाओं को दूसरे दिन प्रशिक्षण दिया जाना है। विदित हो कि अब तक आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑफलाइन हिसाब रखा जाता था, ऑनलाइन होने से मनमानी पर रोक लगेगी। इस मौके पर महिला पर्यवेक्षिका प्रीत रानी, प्रीत माला कुमारी आदि मौजूद थीं। तो जैसा कि आप सभी को अब यहाँ पे 250 रुपये रिचार्ज के लिए मिलेंगे, और साथ ही साथ अब जो भी आप लोगों को पोषण ट्रैकर में एंट्री करेंगे, यहाँ पे केंद्र सरकार राज्य में सीधे महिलाओं व बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार पर नज़र रखेगी। यानी कि पोषाहार जो भी आप लोग बांटते हैं, अब उसका डेटा आपको पोषण ट्रैकर में फीड करना होगा। अब इससे जो है कि कोई भी आंगनबाड़ी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। तो स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए जो सरकार का वादा है, देखिए वो कब तक पूरा करते हैं। तो आप सभी को ये मैंने जानकारी दिया,
ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।